सो गाइस अपने BMW G310 RR अभी जाने वाली है फर्स्ट सर्विस पर, और एक बार ओडोमीटर वगैरह चेक कर लो भाई। ये चल चुकी है 1156 और अभी फर्स्ट सर्विस होने वाली है इसकी। और जो भी खर्चा आता है सारा मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में, तो लास्ट तक बने रहना, पूरा ब्लॉग इंजॉय करना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी क्या क्या चीज़ें होने वाली है बाइक में और एक्चुअल में कॉस्ट क्या आती है फर्स्ट सर्विस BMW G310 RR। तो गाइस अभी हो चुकी है अपनी बाइक डन, अभी हम जा रहे हैं टेस्ट राइड लेने के लिए। सर्विस हो चुकी है इसकी फर्स्ट। ओए होए 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 स्पोर्ट मोड, वाओ नाइस। तो गाइस ये रहा भाई, चेक कर लो और नंबर बाई नंबर मैं बताते जाता हूँ आपको कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। ठीक है, इस बैक अगेन अनदर वीडियो। पहले तो आप सबको जय श्री राम, और मैं आज जा रहा हूँ भाई अपनी BMW G310 RR की सर्विस कराने के लिए। और अभी हूँ मैं सेकंड टोल पे, मैं जा रहा हूँ NS2 से, अभी मैं सेकंड टोल पे हूँ। लोकेशन का नहीं पता मेरे को यार, सारे पलवर से पीछे पड़ता है। एक बार लुक चेक करो भाई इसकी, क्या खतरनाक लगती है ना यार खड़े होके। और दिल्ली लुटियंस ओखला में हमने अपने स्लॉट बुक करा दिए जो हमें सर्विस करानी है। चलो बाकी मैं आपको मोटो ब्लॉग पे बताता हूँ, GoPro पे कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आ चुके हैं भाई GoPro पे और अपनी बाइक पे। सो गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी परी की सर्विस कराने के लिए, मतलब BMW G310 RR की फर्स्ट सर्विस कराने के लिए। और काफ़ी लोगों के बहुत सारे मिथ है ना कि BMW की सर्विस 10,000 पे होती है फर्स्ट सर्विस, इसके 12,000 पे होती है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई, आप लोग लास्ट तक बने रहो और मैं सारी चीज़ें सारी डिटेल्स आज आपको शेयर करूँगा, जितनी भी जो भी आएगी प्राइस, जो कॉस्ट आएगी सर्विस की वो मैं आज आपको बता दूंगा। तो भाई देखते रहो ब्लॉग को। और अभी मेरे को ना फ्यूल अप कराना है, इसमें लो फ्यूल इंडिकेट कर रही है अपनी बाइक, तो चलो फटाफट से इसमें फ्यूल अप करा लेते हैं, देखते हैं पेट्रोल पम्प कहाँ है। ये मिल गया, रिलायंस इसी को ढूंढ रहा था भाई मैं बस, थैंक गॉड। चलो फ्यूल अप कराते हैं पहले इसमें। कार्ड वाली ना मशीन ले आया ना भैया, मशीन कार्ड वाली। हाँ चलो भाई टैंक ना फुल करा लेते हैं पहले। तो गाइस अभी बाइक बता रही है भाई कितनी चल जाएगी, एक टैंक हमने फुल करा दिया है, 339 किलोमीटर चल जाएगी एक बार फुल कराने के बाद। चलो हम शायद हो सकते हैं आगरा वापस भी पहुंच जाए और टैंक फुल कराने की ज़रूरत भी ना पड़े लौटते टाइम। तो गाइस अभी मैं हूँ होटल पे और मैं निकल आया था आगरा से भाई 5 बजे ही, लेकिन यार मैंने तब GoPro ऑन नहीं किया क्योंकि बहुत सारी धुंध थी, कोहरा था यार इस चक्कर में, नाइट भी थी तो यार क्या ही दिखाता मैं आप लोगों को इस चक्कर में ना। मैं निकल आया और मैंने अभी आके होटल से फिर कैमरा स्टार्ट किया अपना, GoPro चालू किया, मतलब ब्लॉग बनाते हैं, थोड़ा सा सनराइज हो गया ना इसलिए। बातों ही बातों में 81 चलेगी भाई, हमें 70 तक चलानी है। और भाई से एक और चीज़ देख सकते हो भाई, अपनी बाइक ना चल चुकी है 1078 किलोमीटर, फाइनली इसने कंप्लीट कर लिए। तो हम सर्विस कहाँ पे कराने वाले गाइस, हमारे लिए दो ऑप्शन है, या तो हम नरेना चले जाएँ दिल्ली में ही है दोनों, या फिर ओखला चले जाएँ। देखो भाई ओखला अपने लिए पास पड़ता है, जो आते हैं वही आगरा नोएडा फरीदाबाद, फरीदाबाद में तो है ही, जो आते हैं आगरा मथुरा गाजियाबाद इधर साइड से, उनके लिए वही ओखला पास पड़ता है। 40 किलोमीटर का डिफरेंस है ओखला और नरेना में, तो हम ओखला में हमने स्लॉट बुक करा दिए, जाते ही अपना नंबर आ जाएगा, टेंशन नहीं है, और वहाँ से बैक भी हम लोग आ जाएंगे। फाइनली अपनी बाइक ने 1087 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए। अभी टेम्परेचर है भाई 72.5 सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, तो सुबह सुबह चल रहे मॉर्निंग में टेम्परेचर तो सही है, ज़्यादा नहीं जा रहा, बस ट्रैफिक में थोड़ा सा परेशान करती है और कुछ नहीं, ट्रैफिक में बहुत जल्दी हीट हो जाती है, तो साइड से थोड़ा सा भगाएंगे। और आज अपनी BMW के बहुत सारे मोड भाई अनलॉक हो जाएंगे यार, अब तक लॉक थे आज हो जाएंगे अनलॉक, अब आएगा मज़ा इसको चलाने में।
अभी पता है कौन से मोड में चला रहा हूँ मैं? अर्बन में चला रहा हूँ, जिस मोड में सबसे कम पावर प्रोड्यूस करता है इंजन, उस मोड में बाइक लगी हुई है। क्योंकि ये कंपनी ने ही रिकमेंड किया था कि इस मोड को इस मोड में ही चलाओ, और वो मोड तो भाई बहुत खतरनाक है। बट तो ये मान लो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी यार, सही बता रहा हूँ, इसको ना रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। एक तो राइड वे वायर है ना, तो भाई थर्डर वैसे से इतना तगड़ा है ना, मैं सही बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे साथ कोई प्लेयर बैठा है ना, गलती से भी तुमसे थोड़ा सा टोटल ऐसे हो गया ना हाथ, भाई वो पीछे से पलट जाएगा, मजाक से हटके बता रहा हूँ, इतना तगड़ा रेस्पॉन्स है इसका टोटल का। ठंडी लग रही है यार तुम्हारे भाई को, वो जब सुबह निकला था यार हमारे आगरा में कम थी, हम लोग को ज़्यादा लग रही है यार। अपने आगरा में भी यार BMW आ जाए सही बता रहा हूँ, आग तो आ चुकी है, बाइक का मैकेनिक नहीं है, बस बाइक के मैकेनिज्म भी आ जाए तो अच्छा रहे। ये देखो एक और देखो ट्रॉली भाई, एक ट्रैक्टर दो दो ट्रॉलियाँ लेके जा रहे हैं गन्ने। नहीं 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 देखो मैंने मोड चेंज करने की कोशिश करी ना, तो वहाँ लिखा रहा है क्लोज थ्रोटल, यानी अपने थ्रोटल को क्लोज करो उसके बाद मोड चेंज होगा, समझ रहे हो? BMW भाई ये अभी सारे सेंसर देती है, ऐसे ही थोड़ी पैसे ले रहे हैं BMW वाले यार, आपसे काफ़ी चीज़ें दे रहे हैं आपको, इस चीज़ के पैसे ले रहे हैं भाई वो। चलो भाई चलो भाई, मिलते हैं आपको दिल्ली में। One hour later. So guys, ले लिए हमने भाई बदरपुर से ओखला वाला कट, चलते हैं भाई ओखला पहुंचते हैं आज। कोई तो बोर्ड दे दो रे, तुगलकाबाद विधानसभा। गाइस हमको पहुंचना है ओखला फेज वन में। हाँ सही है भाई, सही है, यही है। ओके got it. NH2 से सही पड़ता है गाइस, ये यमुना एक्सप्रेस वे से आया था मैं भाई, पूरा घुमा दिया था उसने, बहुत दूर पड़ता है यमुना एक्सप्रेस वे से, पूरा नोएडा ख़त्म करना पड़ता है, यहाँ पे आओ। और इससे तो यार ये मान लो बड़ी जल्दी आ गया मैं भाई, बड़ा ट्रैफिक है दिल्ली में यार, कसम से गाइस बहुत ट्रैफिक है यार दिल्ली में, दिल्ली वाले कैसे झेलते हैं इसको पता नहीं यार। यही है ये रहा भाई BMW, डरना रहे उधरों बैठा रहे, चल सर्विस। ये बुकिंग है, हाँ इधर साइड लगा दूँ, ठीक है ठीक। नीचे हमारी मैडम है, नीचे बैठी है ऊपर ही, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो गाइस अपनी BMW G310 RR अभी जाने वाली है फर्स्ट सर्विस पर, और एक बार ओडोमीटर वगैरह चेक कर लो भाई, ये चल चुकी है 1156 और अभी फर्स्ट सर्विस होने वाली है इसकी। बाकी कोई बाइक में प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, कराना तो कुछ है नहीं। चलो गाइस कराते हैं, और यहाँ से निकलते हैं फिर आगरा के लिए, अभी टाइम हो गया 10:14, करवाते हैं सर्विस, अपनी इंक्वायरी कर लें पहले, हमने बुकिंग करवाई थी यहाँ पे। ओ भाई यस 1000 RR, ये चीज़ अलग है भाई, ये कौन सी है, नीचे बता रहे हैं सर्विस करना है। ओके 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 ओके, उनको बताते हैं क्या क्या बाइक में कराना है, काम तो ज़्यादा कुछ नहीं है, फर्स्ट सर्विस है, नॉर्मल है सब कुछ, और जो भी खर्चा आता है
सारा मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में, तो लास्ट तक बने रहना, पूरा ब्लॉग इंजॉय करना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या क्या चीज़ें होने वाली है बाइक में और एक्चुअल में कॉस्ट क्या आती है फर्स्ट सर्विस की भी हम रोजी थ्री लेन आए। ओके मिलते हैं। टू आवर्स लेटर। सो गाइस अभी हो चुकी है अपनी बाइक डन, अभी हम जा रहे हैं टेस्ट राइड लेने के लिए, सर्विस हो चुकी है इसकी फर्स्ट। ओए होए 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 स्पोर्ट मोड, वाओ नाइस भाई, ये तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है, अरे रे खतरनाक शिफ्ट दी है गाइस, अरे भाई एक नंबर, अभी फील आ रहा है गाइस लिटरली। अभी इसका आरपीएम भी अनलॉक हुआ होगा ना, आरपीएम तो वही है सर, वही है। अच्छा, मोड वगैरह क्या एक्टिवेट हुए हैं इसमें, ये स्पोर्ट वगैरह पहले से भी होते हैं सर। अच्छा, हाँ जैसे कि 70 से पहले चलानी थी ना, अभी कितना खींच सकते फुल 140-130 आराम। अच्छा, सो गाइस फाइनली हो चुकी है अपनी सर्विस डन एंड लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से अब। चलो थैंक यू लुटियंस, BMW लुटियंस ओखला। अभी गाइस हम चला रहे हैं स्पोर्ट में और पावर तो अभी से मेरे को फील हो रही है यार थ्रॉटल से ही कि पावर बाइक में बढ़ गई है। हाँ, क्या बात है क्या बात है, इसमें चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है। एंड गाइस क्या कॉस्ट पड़ी है, क्या खर्चा है, सारा कुछ बताते हैं आपको अभी थोड़ी देर में, थोड़ा हाईवे पे निकल जाए उसके बाद सारी चीज़ आपको क्लियर करते हैं कितना खर्चा आया भाई। BMW का लोग हवा बनाते हैं ना, हवा, हाँ भैया इतना आता है खर्चा, ये आता है वो आता है, अभी मैं सारी क्लियर करता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ आपकी। तो गाइस सारी चीज़ें अभी आपको बताऊँगा, पहले मैं यहाँ से ट्रैफिक से निकल जाऊँ, हाईवे पे पहुँचूँ। मैं आपको जो उनने एक पेपर दिया है और जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऑन प्रूफ, क्या क्या अपनी बाइक में काम हुआ है, ठीक है। और आप अंदाजा लगा लेना, एस्टिमेट भी बता दूंगा टोटल एस्टिमेट कितना आया है इस पे भाई फर्स्ट सर्विस का। ओके तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पे खाने के लिए चलिए आपको बता देता हूँ एस्टीमेट कितना बना है मेरा सर्विस का अपनी BMW GT10 RR का, कितना खर्चा आया है हमारा पहली सर्विस का। तो चलिए बैक कैमरे से सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ A to Z जो भी चीज़ें हैं। तो गाइस ये रहा भाई, चेक कर लो और नंबर वाई नंबर मैं बताते जाता हूँ आपको कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। चैन क्लीन 186 रुपये और ऑयल फिल्टर 274 रुपये, गैस केटरिंग 107 रुपये, ठीक है देखते रहना। एडवांटेक अल्टीमेट 2849 रुपये, ये अपना क्या होता है ऑयल होता है जो को 2 लीटर इसमें आता है, चलो रख के समझा दूँ अच्छी तरह से, ठीक है गाइस ये 2849 रुपये का ऑयल है और इसको टोटल करेंगे तो टोटल आएगा अपना 2852 रुपये। चलो एक और पलटते हैं, एक और आ गया भाई, चलो इसको भी समझा देते हैं आपको। इसमें गाइस क्या हुआ है ये देखो, क्लीनिंग मोटरसाइकिल भाई 381 रुपये ले लिए इन्होंने मेरे से, मतलब धोने के ही। एडजस्टिंग चैन टेंशन जो कि इन्होंने चैन सेट अपना सही किया है उसके 381 रुपये फिर ले लिए। एंड ऑयल चेंज इन इंजन विद फिल्टर
इसके हमसे रुपए लिए इनने 271 रुपए, सॉरी 571 रुपए। BMW रनिंग चेक इसके रुपए लिए भाई 1333 रुपए, तो इसका टोटल निकल के आता है गाइस 3148 रुपए। ठीक है, ये देख लेना भाई, आप लोग टोटल कर लेना। और मैं बता देता हूँ ये क्या होता है, BMW रनिंग चेक, ये इनका लेबर चार्ज होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें भाई मैंने बता दी। तो गाइस आज है 29 नवंबर और 2023, ये रिसेंटली भाई सर्विस मैंने कराई है, आपको अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, तो 6000 रुपये खर्चा आया अपनी बाइक में, ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आया यार, 6000 रुपये में हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते 10000, 15000, 20000, 12000, 10000, यार देखो अपने ऊपर होती है। मेरी बाइक में कुछ काम तो था नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे तब लगते हैं जब आपकी बाइक में कुछ दिक्कतें हों, पार्ट्स टूट गए हों, जब लगते हैं भाई तब इतना खर्चा आता है, यानी 6000 रुपये मेरी सर्विस हो चुकी है। ठीक है गाइस, हम यहाँ पे खाना खा रहे थे भाई, ये अपना आनंद फैमिली ढाबा, यहाँ पे हमें क्या दिखा ये चेक कर लो भाई, ये लो कितने क्यूट क्यूट से खरगोश है रैबिट। ओ भाई हेलो हेलो दोस्त, कैसे हो, हाउ आर यू, ऑल गुड, हेलो छोटू, ओए हेलो, अबे कितने क्यूट हैं यार ये काश मेरे को एक मिल जाता। ये छिलके वगैरह खाते हैं यार, आलू वालू के, गोभी वगैरह पड़ी हुई है, कितने मस्त लग रहे हैं ना। अभी ये बैठे हुए हैं एक जगह, लगता है इनको, अरे वाह इन्हें यहाँ पे जगह भी बना रखी है अपनी, घर बढ़िया है भाई।